तुझसे बदला लेने। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हरी, क्या हुआ मेरी लाडो को? हाँ, क्यों रो रही है? क्या हुआ बेटा? मेरे साथ कहीं खेलने नहीं आया, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अरे लाडो, आग लगे ऐसे फ्रेंड को। मैं हूँ ना तुम्हारी फ्रेंड। हाँ, हम दोनों मिलकर खेलेंगे मेरे लाडो। जाओ पहले खाना खा लो। चलो मेरी बच्ची, कल इसके स्कूल जाना होगा। हमें आपकी बेटी से बात करनी है, अपर्णा जी के बारे में। हमने पता किया है कि वो उस रात उसे घर छोड़ने आई थी। आइए। बेटा, मैं इंस्पेक्टर कांता दुबे। पता है वो हम सब ने आपको टीवी पे देखा है ना, आप ही है ना जिसने स्टोनमैन किलर को मारा था। बेटा, उस रात जब तुम्हारी अपर्णा मैम तुम्हें ड्रॉप करने आ रही थी तो क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? अगर मुझे पता होता कि हमें कोई फॉलो कर रहा है तो मैं अपर्णा मैम को बताती नहीं। और वैसे भी स्टोनमैन किलर तो मर चुका है, अपर्णा मैम को किसने मारा? इच्छा, इस तरह से बात करते हैं क्या? सॉरी, रियली इट्स ओके। बेटा, स्टोन मैन किलर को कोई कॉपी कर रहा है, बट डोंट वरी, मैं उसे भी बहुत जल्दी शूट करने वाली हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इच्छा, मैडम आप प्लीज जाइए यहाँ से, हमारी बच्ची आपके टीचर की मौत से पहले ही परेशान है, आप उसे और परेशान मत करें। अच्छा, क्या हुआ बेटा? अच्छा, इच्छा, इच्छा उठो, इच्छा उठो बेटा, इच्छा। ये इसका वजन इतना क्यों लग रहा है? बाली और ये खून? बड़ी बेरहमी से संगीता की हत्या की गई और उसके कान की बाली को खींच कर ले गया वो स्टोनमैन पार्ट टू। ये बाली इच्छा के पास कैसे?
किया। दीदी आपको बुखार है? आप में से चोर पुलिस खेलोगे? मैं चोर, आप पुलिस, ठीक है? अजीब बात है, कल ये लड़की तो मुझसे अजीब से बात कर रही थी और आज बच्ची है बेचारी। तो यहां है ही नहीं, अब तो कहीं भाग कर भी नहीं जा सकती। अच्छा, इसको क्या हुआ? कौन है, कौन है वहां पर? अभिमांत्रिक नमक है जिसका छिड़काव करने से आत्मा विचलित हो जाती है। ये लो। बेटा ये ले तेरा लंच, ये बुक और ये लंच अपने बैग में रख ले। योगिता, ईशानू को आज तुम स्कूल छोड़ देना, मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे तो मेरे पास में भी टाइम नहीं है, कितना सारा काम पड़ा है मुझे, और विमला ताई का इतना बड़ा ऑर्डर है, कब पूरा करूंगी मैं? और आपको जल्दी जाना था तो सुबह जल्दी उठना था ना। अरे भाई आज गलती हो गई, माफ कर दे, आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है, अभी मैं उसको स्कूल छोड़ देती हूँ, लेकिन ऑफिस से आते टाइम आप उसको स्कूल से लेके आना। अब जो है ना, मैं वर्कर नहीं रहा हूँ, सुपरवाइजर हो गया हूँ, जिम्मेदारी के साथ साथ सैलरी भी बढ़ गई है। अब तू इतना काम लेना छोड़ दे और अपनी सेहत का ध्यान रख, ईशानी के लिए टाइम निकाल। अरे सब कुछ ईशानी के लिए तो कर रही हूँ, अगले साल उसको अच्छे स्कूल में डालेंगे।
दो दिन की जिंदगी है, पल में गुजर जाएगी। कुछ टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया कर। इतना सब करते हो ना, फिर भी आपको मेरी कोई कदर नहीं है। देखना जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब आपको पता चलेगा। पागल हो गई है क्या? सुबह सुबह कैसी बात कर रही है? शुरुआत किसने की थी? ठीक है बाबा, गलती हो गई, माफ कर दे। तेरे से बहस करूंगा ना तो और लेट हो जाऊंगा। उसको छोड़ देना, मैं ले आऊंगा। अच्छा ठीक है। अरे बेटा टीवी बंद कर और जल्दी से जूते पहन, स्कूल को देर हो रही है। इन माँ बेटी के चक्कर में ना मेरे खुद के काम रह जाते। फाइल कहाँ रह गई? रात मैं यहीं तो बैठा था लिए। ये रही, सुबह मिल जाती तो चक्कर ना पड़ता आने के लिए। टीवी भी चल रहा है, किसी को बिल तो देना ही नहीं। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? अभी अभी खबर आई है, मुंबई के कल्याण इलाके में एक ब्रिज जिस पर की काम चल रहा था अचानक गिरकर टूट गया। ये तो यही वाला फ्लाईओवर है। घायल हुए हैं और एक महिला की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि उस महिला का नाम योगिता सुबे है और वो उसी इलाके की रहने वाली थी। मैं इस वक्त कल्याण के रविपाड़ा में खड़ी हूँ। जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये ब्रिज काफी पुराना है, लगभग 70 साल पुराना। इसकी हालत तो काफी खस्ता हो चली थी, इसके रिपेयर वर्क का काम भी चल रहा था और काफी हिस्सा तो रिपेयर तक हो चुका था। महेंद्र, वो उसके नीचे आगे दब गई यार। नहीं, बॉडी को हाथ नहीं लगाने का। फिर भी मैं, बॉडी जांच के लिए जाएगी, उसके बाद गोखले हॉस्पिटल से कलेक्ट करने का। हाँ, इतना सब करते हो ना, फिर भी आपको मेरी कोई कदर नहीं है। देखना जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब आपको पता चलेगा। पागल हो गई है क्या? सुबह सुबह कैसी बात कर रही है? ले जाओ। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसके रिपेयर का काम हो चुका था, उसके बावजूद ये हिस्सा गिरा तो गिरा कैसे, और इसकी जिम्मेदारी उठाएगा कौन? इस मलबे के ढेर में एक महिला की मृत्यु हो गई है और अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। मृतक महिला की पहचान कर ली गई है और उसका नाम योगिता सुर्वे बताया जाता है, जो पास की कृष्णचाली की रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज के रिपेयर का काम यहाँ के MLA रमाकांत देशमुख के MLA फंड से किया जा रहा था, और देखिए साफ जाहिर होता है कि पैसों को बचाने के लिए काफी सस्ता माल इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्कैम नजर आता है, इसका जवाब तो रमाकांत देशमुख ही दे सकते हैं। तूने उसका, तूने ईशानी को देखा? अरे काका, ऐसे कहाँ जा रहे हो? बेटा वो ईशानी को लेने चला था, देर हो गई इसलिए। देखो बेटा ईशानी को। पर ईशानी तो घर चली गई थी, स्कूल छूटते ही वहाँ से निकल गई थी। ऐसे कैसे घर चली गई? मैंने उसको कहा था कि गेट पर मेरा इंतजार करे, जब तक मैं या उसकी आई ना आए और गेट से कहीं ना जाए। बेटा वो कहीं दिखे तो उसको कहना कि मैं उसको ढूंढ रहा था। ईशानी, 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 बेटा तू कहाँ चली गई थी? तुझे मालूम है मैंने तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा? आप तो मुझे लेने आने वाले थे ना आज, फिर आए क्यों नहीं, और उल्टा मुझे ही डांट रहे हो। हाँ बेटा वो बस थोड़ी सी देर हो गई थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अकेली चली आए हैं? अरे बाबा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आई के साथ ही आई। ईशानी, ईशानी ताई, आप रो क्यों रही हो? कितनी कितनी अच्छी औरत थी योगिता। इतनी अच्छी औरत थी? ये भी कोई उम्र है मरने की? इतनी इतनी छोटी बच्ची को छोड़ गई पीछे? ताई हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हो? तेरे बाबा ने तुझे बताया नहीं, तेरी आई एक पुल के नीचे दबकर मर गई। ये कैसा गंदा मजाक है? ये मजाक नहीं है बेटा, ये सच है। तू जब स्कूल गई थी ना तो तेरी आई मर गई, तेरे बाबा ने तुझे बताया नहीं होगा। अभी अभी मुझे रास्ते में मिले, वो लाश लेने हॉस्पिटल जा रहे थे। बस भाई, आप बड़ी है मुझे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही आपको। खबरदार अगर मेरी आई के बारे में उल्टा सीधा बोला तो आपने। ईशानी बस भाई, बाहर का रास्ता वो है,
जा सकती हो आप। बारे में देख बेटा, बड़ों से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो। पल तो मैं यही भूल गई थी। ठीक है आई, सॉरी, अब से ऐसा नहीं करूंगी। ये किससे बात कर रही है? आ गई सुंदरी। हाँ यार, आज इसकी आई नहीं है सर। चल कंपनी देते हैं। पकड़ उधर से। सुनो ना, कहाँ जा रही है? छोड़िए मुझे भैया, छोड़िए मुझे। भैया नहीं, सैया बोल। मैंने कहा छोड़िए, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। चिल्ला, दूर दूर तक यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। चिल्ला, जिसको बुलाना है बुला। मैं आई को बता दूंगी, फिर देखते वो क्या करती है। बहुत ज्यादा हो रहा है। भाषा समझ में नहीं आती। नहीं चाचा जी, योग्यता की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसके गुनहगारों को सजा मिल जाएगी। बेटा ये 13 दिन का विधान बहुत जरूरी होता है, ये तो आत्मा को बहुत दुख और तकलीफ झेलनी पड़ती है। ऐसा गरुड़ पुराण में सब कुछ साफ साफ लिखा है। देख बेटा, इसे तू मेरी चेतावनी समझ या मेरी सलाह। सही समय पर अगर विधि नहीं हुई ना, तो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अटक जाएगी और फिर अगले काल में उसको मुक्ति मिलेगी, समझे? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? मेरे शरीर को तब तक मत चलाना जब तक मैं उन लोगों से बदला नहीं ले लेती। बेटा तू क्या सोच रहा है? नहीं चाचा जी, जब तक मैं योग्यता को इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं। देख महेंद्र, तू बहुत गलत कर रहा है। अगर शास्त्रों के खिलाफ गया ना तो बहुत पछताएगा। इसलिए मेरा कहना मान, तू बहू का अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा को शांति दे। सही कह रहा हूँ मैं? नहीं तो बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा महेंद्र, बहुत पछताएगा। योग्यता, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? थैंक यू साक्षी। बेटा राखी। अरे दाइमा, ऋषि को राखी बांध दीजिए। हाँ। लाइए मुझे दीजिए। बैठो बेटा। बहन की तरफ से राखी। आप लोगों को पता है, दीदी को पता चल गया था कि उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है, इसलिए उन्होंने ऐसी ही और 72 राखियां मेरे लिए बनाकर छोड़ दी थी कि उनका भाई 100 साल जिए।
चुप हो जाओ डॉक्टर साहब, बचपन में भी ना तू ऐसा ही था, एक बार रोना शुरू तो बंद ही नहीं होता था। बेटा आज खुशी का दिन है और अपनी बहन को खुशी से याद कर। देख ये दाई माँ का हुक्म है, समझा? ये लो, बांधो राखी मुझे। भैया अब आप घर जाइए, देर हो चुकी है, मैं भी जाती हूँ। रुको नैला, तुम कहाँ जाओगी? तुमने तो अपना घर बेच दिया है ना? पता नहीं, देखते हैं। बहन अपने भाई के घर जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने इससे पहले कभी इतनी शॉपिंग नहीं की। तुम? तुमने मेरे भाई और उसके परिवार का खून कर दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मारूंगा तुझे। कर रहे हो ये? मारूंगा तुझे। छोड़ो उसे। भैया। अरे मेरी बहन को हाथ से लगाया। सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी। पता नहीं वर्कलोड है या फिर हेल्थ इश्यू, पर वो नैला के सिवा सब इशू लगता है तुम लोगों को। पर दाई माँ, उस आदमी ने नायला पर अटैक किया था, इसमें नायला की क्या गलती? जब से वो इस घर में आई है ऋषि, तब से जैसे उसके कब्जे में है, सारा दिन नायला 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 करता रहता है। दाई माँ आपको पता है कि ऋषि उसे अपनी बहन मानते हैं और वो उसे बकरा मानती है। साक्षी बेटा समझो, बहन की आड़ में उस लड़की ने ऋषि को काबू में किया हुआ है। संभल जाओ इससे पहले कि वो कुछ और कर दे। पर उसने अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कुछ तो है उसमें, और देख लेना मैं उसकी सच्चाई सबके सामने जरूर लाऊंगी। ठीक है। इसके कमरे में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा उस नायला के खिलाफ। क्या है?
तुम लोग खुद ही अपनी आंखों से। क्या हुआ दाइमा, क्यों लेकर आई हमें यहाँ? तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे ना, अब खुद ही अपनी आंखों से देख लो। ये लड़की सीधी साधी लड़की नहीं है, काला जादू करने वाली डायन है। डायन देखो उसका सामान, ये देखो। काला जादू, ये तेरा भोलापन ऋषि मानता होगा। मैंने देखा है तुझे, बहुत हो गई तेरी चालाकी। भैया चढ़ गई है, बस बहुत हो गया इसका नाटक। आज तो इसने हद कर दी। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरी बहन को हाथ लगाए। तो अभी क्या इस घर से बाहर निकल जा। ऋषि, दाइमा हमारी फैमिली का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं, मेरी बहन नायला ये इस फैमिली का हिस्सा है। ये नहीं, ये तो एक मामूली नौकर है। खत्म कर दो इसे। शान की भगवती से तुम अपने पति को शांत कर सकती हो और उस डायन की शक्तियां कुछ देर के लिए कम हो जाएंगी। 15 साल से मैं माता के खेलते आई हूँ, भाई बनाकर उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। शुरुआत करते हुए बच्चे से, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे बच्चे को। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।